तो स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल रुपेंद्रा बुलेट वर्कशॉप पे। आज हम बात करेंगे बुलेट के स्टीयरिंग के बारे में कि कौन सा स्टीयरिंग आपके लिए कंफर्टेबल है, कौन सा गाड़ी के लिए जो सही रहेगा। तो सबसे पहले मैं आपको वो हैंडल दिखाऊंगा जो कंपनी साथ में देती थी गाड़ी के। आइए, ये वाला हैंडल कंपनी साथ में देती है, इसके हैंडल बार लगे होते हैं। वैसे होता था सेफ्टी के लिए, जब ये गिरती है गाड़ी तो हमारी टंकी को बहुत सेफ करता है, पर इसके बैठने के बाद हाथों की पोजीशन ऐसे होती है तो जब हम लॉन्ग ड्राइव पे जाते हैं तो बिल्कुल भी हाथों को कंफर्ट फील नहीं होता, थोड़ी देर बाद थकावट फील होने लग जाती है। तो क्या ही भाई, इसको कटवा कर या फिर ओल्ड मॉडल का हैंडल फिट करवाते हैं। जैसे कि ये हैंडल, आप ये हैंडल देख सकते हैं, ये है ओल्ड मॉडल का, ये बुलेट ही ओल्ड मॉडल है। वैसे तो इसमें साथ में ये वाला ही हैंडल आता था शॉर्ट। अब ये गाड़ी देखिए, इसका हैंडल, ये हैंडल ओल्ड मॉडल का लगा हुआ है इसमें, पर जब हम इस पे गाड़ी बैठते हैं इसको ऐसे, तो हमारे हाथों की पोजीशन सही नहीं होती। जब हम लोकल में चलाएंगे तो ठीक है, पर जब हमें लॉन्ग ड्राइव पे जाना पड़ेगा या थोड़ी बहुत लंबी चलाते हैं तो हमें गाड़ी बिल्कुल भी कम्फर्ट फील नहीं होता, हाथों में दर्द होने लग जाता है। तो इसका क्या सोल्यूशन है? इसका सोल्यूशन है, इसके अंदर एक हम दूसरा हैंडल फिट करेंगे। अगर आपको लॉन्ग ड्राइव पे चलाना जाना है, लंबी जानी है, उस हैंडल का नाम है RD 350। वो हैंडल ये है, आप इसे फ़र्क देख सकते हैं, ये हैंडल ऐसे फिट होएगा। ये हैंडल फिट होने के बाद जो हमारे हाथ हैं, हाथों की शेप पीछे आ जाती है, तो इसमें हम कम्फर्ट फील होकर चलाते हैं। कम्फर्ट फील बहुत फील होगा आपको, लॉन्ग ड्राइव पर जाओगे थकावट नहीं होगी। तो चलिए, वीडियो ना लंबी ना करते हुए हम इसको फिट करके दिखाते हैं आपको। आप इसको घर भी फिट कर सकते हैं, पर मैकेनिक से कराएंगे तो अच्छा रहेगा। तो चलिए आपको मैं फिट करके दिखाता हूँ। तो सबसे पहले हम इसके कम्बिनेशन खोलेंगे, दोनों नट खोल देंगे इसके यहाँ से, ऐसे ही इस साइड से फ्री रबड़ निकलेगी, इस साइड से क्लच लीवर बाहर, ये ब्रेक लीवर बाहर, आपको खोल के दिखाते हैं अभी। तो इस हैंडल और दूसरे हैंडल की शेप देखिए कैसी है, ये थोड़ा यहाँ से चौड़ा होता है बैंड में से, इसको हम आपको फिट करके दिखाते हैं। अब हमें एक होल और करना पड़ेगा इस साइड, होल इसलिए क्योंकि ये पिन इस होल के अंदर जाती है। अगर आप चाहें तो उसको ऐसे लगाएं,
पर इस साइड ये गैप हो जाएगा, फिर ये गैप बहुत गंदा लगेगा। इस गैप को ख़त्म करने के लिए हम ये सेट करके इसको ये एक होल करेंगे। अगर आप उसको ऐसे लगाना है तो कई भाई इसको ये पिन हटा देते हैं, पर पिन हटाने के बाद ये ऐसे घूमता रहता है थोड़े दिन बाद। तो इससे बढ़िया आप यहाँ पे एक होल मारें और काम परमानेंट हो जाएगा, ऐसे ही उस साइड होगा। इसमें भी होल है एक, ये वाला, यहाँ ऐसे लगाएंगे नट इसका। तो देखिए कैसे तो अब ये जो रेस की वायर है ये लंबा हैंडल होने की वजह से ये छोटी रह चुकी है। तो इसको ठीक करने के लिए हम टंकी खोलेंगे। टंकी खोलकर जो रेस की तार है ये हम दूसरी साइड से लेंगे, उस साइड से ये ऐसे आएगी, ये थोड़ी तार लंबी पड़ जाएगी और ये हैंडल मोड़ते वक्त रेस ज़्यादा नहीं होगी, कवर नहीं होगी इसलिए। तो खोलते हैं इसकी टंकी। तो हाँ जी दोस्तों, इसका हैंडल फिट हो चुका है। आप इसकी देख सकते हैं लुक, कितनी प्यारी लुक आई है इसकी। अब मैं बैठ के दिखाता हूँ इस पर। हाँ जी, तो आप मेरे हाथों की पोजीशन देख सकते हैं, जो मेरी कलाई है बिल्कुल रिलैक्स फील कर रही है और जो कंधे हैं। अब इसको चलाने में मज़ा आएगा, चाहे कितनी लंबी ड्राइव पे ले जाएं आप इसको। पहले इसका हैंडल ऐसे था और क्लासिक का तो भाई साहब और बुरा हाल होता है,
उसके बिल्कुल ऐसे बैठना पड़ता है स्पोर्टी लुक में, और थोड़ा सा लंबे जाते हैं तो हाथों में बहुत दर्द होने लगता है। अब इस हैंडल में देखिए मेरा स्ट्रक्चर कैसा है, मैं बिल्कुल रिलैक्स होकर बैठा हूँ इसमें, बहुत मज़ा आ रहा है। जब चलाएंगे इसका रिजल्ट बहुत अच्छा है। अब देखिए कितना रिलैक्स फील हो रहा है इसके अंदर, मेरी कलाई देखिए, मेरे हाथों को देखिए। तो अब बात करते हैं हैंडल कौन सा है। हैंडल RD 350 का है, ये बुलेट के अंदर आराम से फिट हो जाता है। बस आपको फिट करते टाइम एक तो ये होल है, जो उनसे होल आपको दूसरी साइड करने हैं, और जो रेस की वायर है ये पहले इस साइड से रेस की वायर आती है, इसमें हमने रेस की तार वहाँ से निकाल कर ये यहाँ से रेस की वायर लेनी है, क्योंकि हैंडल ये लंबा होता है, तारों की जो लेंथ है वो लंबी करनी पड़ती है ताकि हैंडल मोड़ते वक्त आपकी रेस ज़्यादा ना हो। तो बस इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।